जयपुर में चोरी और लूट की घटना बढ़ गई है। चोरी खाड़ी पड़े फ्लैट और मकानों को निशाना बना रहे हैं। जयपुर में एक गैंग भी पिछले कई दिनों से एक्टिव है, जो लग्जरी गाड़ियों में फ्लैट के आसपास आते हैं, पहले रेकी करते हैं, फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जिस फ्लैट का दरवाजा बंद मिला उसे निशाना बनाते हैं। ऐसे ही मामला जयपुर के मंगलम सिटी में रहने वाले विकास जैन के साथ हुआ। विकास के बंद पड़े फ्लैट को बदमाश लूट ले गए। विकास जैन ने इस संबंध में करधनी थाने में सीसीटीवी के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने भी अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। विकास जैन ने बताया कि वारदात वाले दिन वह अपने मित्र की जन्मदिन पार्टी में परिवार के साथ गया हुआ था। परिवार में उनकी पत्नी और 4 साल का बेटा है। रात करीब 2 बजे वह वापस फ्लैट पर लौटे थे। इस दौरान टूटे हुए ताले देखकर थाना पुलिस को सूचना दी। पड़ोसियों के सीसीटीवी में सभी बदमाश कैद हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राजधानी जयपुर में यह पहला मामला नहीं है जहां पर इस तरीके की चोरियां हुई हैं। इसके पहले भी जयपुर में कई घरों में इस तरीके की चोरियां हो चुकी हैं। पुलिस इन बदमाशों तक अब तक नहीं पहुंच पाई है। अक्टूबर में ही करनी विहार थाना निवासी श्याम सुंदर ने बताया कि गांधी पथ स्थित उनके फ्लैट में भी लग्जरी गाड़ियों में आए बदमाश बंद पड़े फ्लैट का ताला तोड़कर 3 लाख कैश और 2 चांदी के बर्तन ले गए थे। करनी विहार थाना पुलिस ने बताया कि फ्लैट में सीसीटीवी नहीं होने के कारण बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि परिवादी की ओर से जो शिकायत दी गई उसके आधार पर जांच की जा रही है। एडिशनल डीसीपी वेस्ट राम सिंह ने बताया कि बदमाशों की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। वहीं आम जन से भी अपील है कि फ्लैटों में गार्डों को रखना शुरू करें। गार्ड की स्वीकृति के बिना कोई फ्लैट में ना घुसे, इसे सुनिश्चित करें।